आगरा के यमुना पार रेलवे ट्रैक के पास कचरे में दवाओं के साथ खाली रैपर मिले हैं, जिनको जलाकर नष्ट करने की कोशिश की है। अधजली हालत में दवाएं मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग सहित औषधि विभाग मामले की जांच कर रहा है। यमुना पार नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैक के पास क्षेत्रीय लोगों ने कट्टों में दवाएं भरी देखी। कुछ कट्टों में आग लगी हुई थी। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो यहां दवाओं से भरे कट्टे में खाली रैपर और कुछ दवाइयां मिली, कुछ अधजली दवाई भी मिली। पुलिस ने बताया कि ये नकली या एक्सपायर्ड हो सकती है। बीते दिनों एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की नकली दवाओं पर कार्रवाई को देखते हुए दवा माफिया ने इनको आग लगाकर नष्ट करने की कोशिश की है। इसमें कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, साधारण में टीम बनाकर डॉक्टर सुशील और पैरामेडिकल्स को भेजा गया था और उनमें जो भी दवाएं थी उनका परीक्षण भी किया गया। ज़्यादातर दवाएं उसमें खाली रैपर थे दवाइयों के, जो बोरों में भरे हुए थे। इसके अतिरिक्त 10-12 स्ट्रिप भी प्राप्त हुई हैं, जो किसी अन्य राज्य के राजकीय चिकित्सालय से निकली हुई हैं। और इसके अतिरिक्त बायोमेडिकल वेस्ट के नाम पर थोड़ा सा पैथोलॉजी का वेस्ट ज़रूर मिला है, जिसमें कि एम्पल्स हैं जिसमें ब्लड लिया गया है और कुछ डेंटेचर के भी पार्ट हैं, जो किसी भी अस्पताल या किसी भी डेंटल क्लिनिक से भी आ सकते हैं। बीते दिनों एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने दवा माफिया विजय गोयल की जगदीशपुरा और सिकंदरा में नकली दवा बनाने की 2 फैक्ट्री और 2 गोदाम पकड़े थे। इनमें से 6 करोड़ से अधिक की दवाएं और सिरप मिले। पुलिस ने इसके और भी गोदाम होने की आशंका जताई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज 90% प्राइवेट किसी हॉस्पिटल अथवा ऐसी चिकित्सा संस्थान का कार्य है, जिनके द्वारा सफाई के दौरान इन सारी चीजों को इकट्ठा करके बाहर फेंका गया है। कचरे में मेडिकल वेस्ट भी मिला है। इसमें खून के पैकेट, सिरिंज, बोतल समेत अन्य मेडिकल वेस्ट शामिल हैं। आग से कई पैकेट जले हुए भी मिले हैं। ये किस ब्लड बैंक, अस्पताल और पैथोलॉजी का है, इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ दिन पहले भी इसी क्षेत्र में मेडिकल वेस्ट मिला था। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग ने भी पैथोलॉजी लैब और अस्पताल सील किए हैं। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि जांच कराई जा रही है। मेडिकल वेस्ट सार्वजनिक जगह पर फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।